Assalamu alaikum Pakistan, this is Asad Kalim Bajwani and this is my first ever vlog for a journey to Chotiwala. ये हमारा सफ़र अबाउट 24 किलोमीटर का है जो कि छोटी जरीन से छोटीवाला तक हम जाएंगे और इस सफ़र की सबसे ख़ास बात यह है कि हम पैदल चलेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह कल 8 बजे सैटरडे कल 8 बजे इंशाल्लाह हम अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। वालेकुम पाकिस्तान, आखिर हम अल्लाह के फजल करम से दोबारा मिल ही गए लेकिन सफ़र का आगाज़ इंशाल्लाह अभी तो 7:30 बजे हैं तो आधा घंटा है, पहले मैंने तैयारी भी करनी है लेकिन सफ़र में थोड़ा सा मुश्किल शायद हो क्योंकि अभी बादल भी हैं ऊपर बहुत ज़्यादा और यहाँ पर हवा भी हल्की हल्की चल रही है, सर्दी बड़े ज़ोर की है और धीमी धीमी बारिश भी हो रही है, धीमी धीमी बिल्कुल शायद वो कह रही है और ऊपर बादल भी बहुत ज़्यादा हैं। दुआ करो कि अल्लाह बचा ले। अब तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है, तकरीबन 8 भी बज चुके हैं, अब इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ शुरू होने जा रहा है। सर्दी भी बहुत है जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने इतना जैकेट भी पहन रखी है सारा कुछ सरह की गाल ध्यान करना। अच्छा ठीक है तो इंशाल्लाह चल रहे हैं बस। ओके बॉय, हम अभी क्रैश मोड पर पहुंच चुके हैं। हम अपने स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहां से हम अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे छोटीवाला 24 किलोमीटर फ्रॉम देयर। ओके लेट्स डू इट मैन। सीनरी चक्कर यार, सीनरी चक्कर भैंस चोर, सीनरी चक्कर। यार मुझे से तो अभी से गर्मी लगने लगी है। ये देखो मैंने तो जैकेट पे जिप भी खोल दी है। अब नहर पर मेरे मामू की दुकान है, वहां पर ये करना होगा कि जैकेट को रखना होगा वहीं पर क्योंकि गर्मी लग रही है मुझे बहुत। चलो अभी मैं ब्रिज 13 पर पहुंच चुका हूं। एक कहने के मुताबिक मतलब सरायकी में जिसे हम कहते हैं 13 वाली पुल। बिल्कुल और खाते चरते जानवर, बड़ा सीन मैन, सीन। मैं बोला स्कूल का नहीं पढ़ता पिया, मैं मेरा मैं चुटी पाला जल्दी। यार सामने कुत्ता आंदा पा, गोला मेहरबानी करे। वो कुत्ते ने भिड़ देते नहीं हुए छोरो हैं। अच्छा चलो यहाँ नहीं करे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मैं बड़ कावड़ा तो वे सर्दी हो जाकर। यार ये गन्ने की फसल है। यार ये देख हालत,
ये देख ये रोड सारा टूटा हुआ है इससे यार, मुझे लगता है अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ बने हुए। हालत यार जरा पता नहीं, अंदर है तो जाना, पता नहीं मना है या नहीं मना, पर चलते हैं, वह देखा जाएगा। अल्लाह अकबर, बेचारे मुंडी, ओ ओ कुत्ते दी कोई गोदा निकल वे, पोत्र निकल वे, ओए अल्लाह ये तो मतना आवी ने रुकण दे लगा, राह ही कहनी अल्लाह। अब बस बस नहीं निकलता पे, निकलता पे निमी अंदा नहीं था, एक वीडियो नहीं मैं बना देना। हाँ वो जगह है जहाँ से तो फैलाबाद का पानी आता है, उस कहा जा रहा है ये केबली ये त्रुटिया हुआ है। हमारे पाकिस्तानी कौम का हालत देखें, ये बेहाल है हमारा पाकिस्तानी कौम का, चोटी जरीन वाला उत्ते पिया है, चोटी बाला तले बैठा लेता है, हाल कुछ ऐजा है। हाथ उत्ते करो, हाथ उत्ते घर हाथ उत्ते करो, चलो डूए सारे, और तुने पैसे लगते पैन यार थी 14 11 कसम है कोई अन्नी दे। 18 किलोमीटर पर, जब चोटी बाला से 18 किलोमीटर रहते होंगे तो तब हमारा ये पहला स्टॉप होगा, वहाँ पर हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि यार मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, मेरी हालत डाउन है अभी, मुझे थकान बिल्कुल नहीं हो रही अभी, सच पूछो यार थकान नहीं हो रही बिल्कुल। आखिरकार यार हमारा पहला स्टेशन आ ही गया, वो देखो चोटी बाला 18 किलोमीटर, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन, ये तो गिर रहा है, मुझे लगता है खुशी में गिर रहा है ये भी। खाना तो यार आकर हो गया, अब बस थोड़े से आराम के बाद सफर को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। नहीं थके अभी तक। अच्छा कितने बजे रवाना हुए आप? लेकिन 8 बजे तो रवाना हुए। रवाना हुए अभी तो सिर्फ 13 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से, 13 किलोमीटर 12 तकरीबन। बहरहाल जरा को ज्यादा यकीन करने ना करने, मैं कोई चीज का कोई ताल्लुक नहीं, मेरा एक शौक आ वो मैं पूरा करना पे, अलहमदुल्ला बकाया तकरीबन 13 किलोमीटर हूँ टप्पिया दिया, तुझे भूल गया इतना जल्दी, हकी दिमाग सर्दी पीती पी है यार। इसे कहते हैं रैंप, नहीं बताना था, ये चोटी चोटी बाला और चोटी जरीन के दरमियान एक अबाउट 10-15 है। जो नया आती है ना हमारी, हम नदी शायद कहेंगे यार, पता नहीं अब क्या, सरैकी में हम नहे कहते हैं, सीधी बात है, वो चोटी बाला से आती है, यहाँ से गुजरती है, इस रैम से गुजरते हुए, इस रैम से सीधा ऐसे ऐसे सीधा बिल्कुल। ओए होए यार मुझे सर्दी तो लग रही है थोड़ी सारी, लेकिन क्या करें, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। डर ही लग रहा है, यहाँ पर घास उगा हुआ है, मुझे डर है यहाँ पर कुत्ते ना हो, डर ही चीज है जानी, कुत्ते ना हो बस, अल्लाह मेहरबानी करे। उतरी 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 उतरी, और ध्यान ध्यान ध्यान, I'm not afraid.
बिल्कुल प्लेन एरिया। वाह यार वाह, एक तो बारिश थी पी है तो माहौल टायर बढ़िया यार। बंदा आप सोचो एक देख, एक किलोमीटर ली जहाज उत्ते मिट्टी वाला से बिल्कुल रंग लगी लगे त्रोड़िया गया हो सारा। हूँ मैं जी बंदा कहीं को पता करना हो यार कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर बचे पे तो मुझे हार्ट हटावे। पुल आ गई एक, ये पुल के तले सुराख ही बढ़िया पे तले से डूबे हैं। यार ये पुल के नीचे वाला हिस्सा है, वहां निकल रहा हूँ यार। रैंप नंबर तकरीबन कोई चार या पांच है शायद। ओए गड्डा रेड़ा लांदा पी ओए बेचारे मोंडियां दी चीज दी भूख हम खा दी क्या दी के चांग दी दो बाबू जी दे दे बेचारे मोंडियां दी भूख। मामा क्या हाल है मामा, ठीक हो भाई? लोग तकरीबन 12 किलोमीटर के ऊपर ये मस्जिद है, यहाँ पर लोग शायद नमाज भी पढ़ते हैं वगैरह। अभी पिछले 6 किलोमीटर से मैं चल रहा हूँ और अभी भी यार गर्मी सर्दी मुक गई है बड़ा सीधी गल है। इन टाइम मैं बिल्कुल चोटी बाला और चोटी दी आधे बैठा, 12 किलोमीटर का पोस्टर लग गया खड़े, सोचा हम निमी रुकता थक गया साड़ी टप्पिया मसाया त्रै भी लांगा भरे हम जंगा जवाब लेने पै गए सही करने वास्ते बह गए और टक खा रहे हैं। खाना है किसी को तो ले आया खुद कंटिन्यू कर रहे हैं तो चलो चलते हैं बस चलते हैं। हुए हुए ओके बाय। रेगिस्तान का व्यू ये सारा रेगिस्तान नुमा है और ये बिल्कुल रेगिस्तान नहीं कह सकते यार इसे, क्यों अभी बारिश हो पड़ी है तो आधे सफर पर ये चोरी बार और चोरी दिन के दरमियान में ये रोड है ये सर्वर को जाता है। हाँ जी अकबर ये वाह भाई वाह, रोड का लेवल चेक करो। ये यार कब्रिस्तान है, रास्ते में तकरीबन 2 कब्रिस्तान आते हैं, ये एक कब्रिस्तान है। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर काले झंडे लगे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब है 7 किलोमीटर पर यहाँ पर मेरे एक टीचर का घर है। हाँ तैयार मंडल पढ़ाता है, रोजाना बस पर आता जाता है। ये सामने एक मज़ार है पीर की। यार सूरज का मुंह भी देखना पड़ा यार, अल्हम्दुलिल्लाह सूरज अभी निकल रहा है 6 किलोमीटर के ऊपर।
मैं जब 6 किलोमीटर यहाँ से रहे थे चोटीपारा से, तो माशाल्लाह सूरज भी निकला है, बहुत खुशी हुई यार। मेरे पाँव में तो ऐसा दर्द रहा है यार, बस चलने की अब मूड बिल्कुल नहीं, लेकिन चलना पड़ेगा 6 किलोमीटर आगे बचा हुआ है। और यहाँ पर बलोच लोग हैं, यहाँ पर सारे यहाँ पर बैठे रहे हैं, यहाँ पर थोड़े से मजाक किए हैं, बस पहचानने वाले भी कुछ मिल गए, यहाँ पर नमाज भी पढ़ी, अजान भी दी, और अब बस सफर पर दोबारा रवाना हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर 7 घंटे की मुसलसल मुशक्कत और मेहनत के बाद मैं अपने फल पर पहुंचा हूं कि मैं अपने मेन पॉइंट अपने मंजिल पर पहुंच चुका हूं, चोटीपाला। Into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So save me, baby, save me to a state of mind that's made up, baby, that's made up. पूरा चोटीपाला का व्यू के बाद ये सारा एंड है। ये वो नह है जहाँ से ये सर्वर से आते हुए चोटीपाला से होते हुए और सीधा तकरीबन डीजी खान तक जाती है शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये सारा इसका ये सारा एरिया जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ, ये सारा का सारा एरिया इसी नह का है, इसी किनार का है। और बिल्कुल अभी ये तो इसी तरह हमारे सफ़र का एंड होता है, और इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बाय बाय। आई यूज्ड टू बिलीव वी वर बर्निंग ऑन द एज ऑफ समथिंग ब्यूटीफुल सेलिंग अ ड्रीम स्मोकिंग मिरर्स कीप अस वेटिंग ऑन अ मिरेकल on a miracle. Give up.